अच्छा, डिटेक्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल एंड क्रॉस कल्चर इवेंट्स, ठीक है। वंस रिसर्चर्स हैव डिसाइडेड, ठीक है, अच्छा, वंस रिसर्चर्स हैव डिसाइडेड व्हाट दे वांट टू स्टडी, ठीक है, दे मस्ट देन डिवाइस अ रिसर्च प्लान, ठीक है। जब आप लोग रिसर्चर्स हैं, ठीक है, आप लोग एक मरतबा डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ना है आप लोगों ने, क्या करना है आगे, किस चीज को फाइंड आउट करना है, किस चीज स्टडी को आप लोगों ने आगे ले जाना है, तो आप लोग फिर क्या करते हैं, आप लोग डिवाइस करते हैं रिसर्च प्लान। डिवाइस मीन फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्लान को, रिसर्च प्लान या रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिसर्च प्लान और डिजाइन आपको बेसिकली हेल्प करता है, परमिट करता है कि आप आइडेंटिफाई करें रिलेशनशिप को अमंग इवेंट्स एंड बिहेवियर, एंड इवेंट्स एंड बिहेवियर के रिलेशन के अलावा आप स्पेसिफाई करते हैं कॉसेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आप उन उस रिलेशनशिप की कॉजेस को बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, हियर वी कंसीडर द थ्री जनरल रिसर्च डिजाइन दैट इन्वेस्टिगेटर्स माइट एम्प्लॉय, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रॉस कल्चरल डिजाइन, ठीक है। आज इस क्लास में हम कोरिलेशनल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सपेरिमेंटल, अगर ज्यादा लंबा ना हुआ एक्सपेरिमेंटल तो साथ में क्रॉस कल्चरल भी नेक्स्ट क्लास में दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कोरिलेशनल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन में क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर गैदर इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन वेदर टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट आर मीनिंगफुली रिलेटेड, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। कोरिलेशनल स्टडीज में हम क्या करते हैं, हम टू वेरिएबल्स को बेसिकली वो करते हैं, कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि वैसे बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटिव गैदर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेटिव जो रिसर्चर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसके बाद डिटरमिन ही कंक्लूड करता है या डिसाइड करता है कि वेदर इन दोनों वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स जो उसके इंटरेस्ट के होते हैं, उनके दरमियान कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप है या नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अपने रिसर्च का एग्जांपल दिया था दैट मैंने स्मार्टफोन एडिक्शन पे काम किया है, ठीक है, तो स्मार्टफोन एडिक्शन को मैंने जो है बेसिकली मैरिटल सेटिस्फेक्शन एंड कॉग्निटिव फेलियर के साथ वो किया था, रिलेशनशिप उसका देखा था, तो ये एक कोरिलेशनल स्टडी है, ठीक है, जिसमें मेरे मीनिंगफुल जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट थे उनके दरमियान मैंने असल में मीनिंगफुल रिलेशनशिप देखने की कोशिश की थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इफ द रिसर्चर इज टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है, रेदर देन कंडक्टिंग डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। अगर रिसर्चर क्या करते हैं, वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को, ठीक है, रेदर देन गोइंग टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दे आर काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चेस जिसमें इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इफ द रिसर्चर इज टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस वो क्या करेगा, ही और शी विल बी चेकिंग, किस चीज को चेक करेगा, टू सी वेदर दिस वेरिएबल आर रिलेटेड एज द हाइपोथेसिस स्पेसिफाई दे शुड बी, ठीक है। तो वो रिसर्चर जो रिसर्चर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर जो वेरिएबल्स उन्होंने लिए हैं क्या वो हाइपोथेसिस के मुताबिक एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीन आपका जो हाइपोथेसिस है और जो वेरिएबल्स है, तो आप उस हाइपोथेसिस के बेस पे अपनी वेरिएबल को चेक करते हैं कि वेदर वो उस हाइपोथेसिस को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नो अटेम्प्ट्स आर मेड टू स्ट्रक्चर और टू मैनिपुलेट द पार्टिसिपेंट इन्वायरमेंट इन एनी वे। इन कोरिलेशन स्टडी आप
किसी भी जो है किसी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाते, या कोई इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जाते, या ना पार्टिसिपेंट के लिए कोई खास इन्वायरमेंट बनाते हैं, या आप जो पार्टिसिपेंट अपने डेटा कलेक्शन के लिए ले रहे हैं उसको जो है ना आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो कोरिलेशन रिसर्चर होता है वो क्या करता है, दे टेक पीपल एज दे फाइंड देम रिलेटेड टू देयर वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब स्मार्टफोन एडिक्शन है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऑटोमेटिकली लोग जो है अपने एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मैनिपुलेटेड बाई नेचुरल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो स्मार्टफोन एडिक्शन जो है, अब मैं तो किसी को नहीं कह रहा ना कि आप 24 घंटे स्मार्टफोन यूज किया करो, वो ऑलरेडी जो उनकी नेचुरल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से उनकी जो बिहेवियर है वो मैनिपुलेट हो रही है। मैनिपुलेट मीन कंट्रोल हो रही है या ऑपरेशनल हो रही है। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या होगा, एंड ट्राई टू डिटरमिन वेदर वेरिएशन इन पीपल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर और पैटर्न ऑफ डिवेलपमेंट। फिर उसके बाद हम बेसिकली ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि वेदर जो चेंजेस है, वेरिएशन मीन डिफरेंसेस या चेंजेस इन पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, लोगों की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है उनके बिहेवियर में या पैटर्न ऑफ डिवेलपमेंट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट से थोड़ा सा आपको वो कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन स्टडी में ये होता है कि जो रिसर्चर होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता जिसके वजह से वो अपने पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को या उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो कोरिलेशन स्टडी है उसमें बेसिकली जो रिसर्चर हैं दे टेक पीपल विच इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड या मैनिपुलेट बाय देयर नेचुरल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद वो फिर डिटरमिन ही ट्राई द रिसर्चर ट्राई टू डिटरमिन वेदर जो वेरिएशन आ रही है इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस में, क्या वो वेरिएशन जो इंसान की पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस में आ रही है वो क्या एसोसिएट कर रही है किस चीज के साथ, डिफरेंसेस इन बिहेवियर या डेवलपमेंट पैटर्न के साथ। ठीक है, अच्छा, टू इलस्ट्रेट द कोरिलेशनल अप्रोच टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टू इलस्ट्रेट मीन टू एक्सप्लेन द कोरिलेशनल अप्रोच टू हाइपोथेसिस, लेट्स वर्क विद द सिंपल थ्योरी स्पेसिफाइंग। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट यंगस्टर्स लर्न अलॉट फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन एंड आर टू इमिटेट द एक्शन ऑफ द करेक्टर्स दे ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल ली हुई है दैट जो यंगस्टर्स है वो क्या करते हैं, ये इन्होंने जो है ना एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि जो यंगस्टर्स होते हैं दे लर्न अलॉट फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, जब वेन एवर दे वॉच टेलीविजन दे लर्न अलॉट फ्रॉम देम, एंड दे आर वेन दे लर्न अलॉट फ्रॉम टेलीविजन दे ट्राई टू इमिटेट द एक्शन ऑफ द करेक्टर दे ऑब्जर्व। वो फिर क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, इमिटेट को जानते हैं, कॉपी करना कॉपी करना, बिल्कुल इमिटेट करते हैं, इमिटेट मीन जो हमने मॉडलिंग वगैरह पढ़ी थी वो ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो जब वो टीवी पे उस करेक्टर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते तो उसके बाद उसके बिहेवियर को इमिटेट करने की वो कोशिश करते हैं, वो अपने आप में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इस थ्योरी से जो है हम एक हाइपोथेसिस ये बना सकते हैं कि द मोर फ्रीक्वेंटली चिल्ड्रन ऑब्जर्व टीवी करेक्टर हु डिस्प्ले वायलेंट एंड एग्रेसिव एक्ट, ठीक है, द मोर इंक्लाइंड दे विल बी टू बिहेव एग्रेसिवली टूवर्ड्स देयर ओन पेरेंट्स। ठीक है, तो अब इस थ्योरी से एक हाइपोथेसिस ये बनता है कि जितना ज्यादा बच्चे एक टीवी करेक्टर विद वायलेंट और एग्रेसिव एक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतने वो बच्चे प्रोन होंगे, मोटिवेट होंगे किस चीज की तरफ, टू बिहेव एग्रेसिवली टूवर्ड्स देयर ओन प्लेमेट्स और एज मेट्स या क्लास फेलोस। ठीक है, तो ये थ्योरी से ये एक हाइपोथेसिस बनी। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ चिल्ड्रन टू स्टडी। अच्छा, अब हमने जो है ना सैंपल ऑफ स्टडी सेलेक्ट की। ठीक है, अब
हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी इन टेस्टिंग आवर हाइपोथेसिस टू मेजर द टू वेरिएबल दैट वी थिंक आर रिलेटेड। उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स को मेजर्स करने की कोशिश करते हैं जो कि हम सोचते हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टू असेस चिल्ड्रन एक्सपोजर टू वायलेंट थीम ऑन टेलीविजन वी माइट यूज द इंटरव्यू और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड टू डिटरमिन व्हिच व्हाट व्हाट ईच चिल्ड्रन वॉचेस एंड देन काउंट द नंबर ऑफ एग्रेसिव एक्ट्स दैट अकर इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हम जब असेस करने की कोशिश करते हैं, एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रंस की जो एक्सपोजर होती है टू वायलेंट थीम्स ऑन टेलीविजन, ठीक है, तो हम बेसिकली इंटरव्यू और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड्स को यूज करते हैं और उसके बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि व्हाट ईच चाइल्ड वॉचेस, बच्चे ने जो है ना बेसिकली क्या देखा है टीवी पे, एंड देन उसके बाद हम काउंट करने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ एग्रेसिव एक्ट्स को डेट अकरिंग इन द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ चिल्ड्रंस ऑन एग्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स पीयर we could observe or sample on a playground and record how often each child behave in a hostile aggressive manner towards playmate, theek hai। acha, ab jab hum measure karne ki koshish karte hain frequency of children's aggressive behavior, frequency mean like kitne had tak, like uski frequency kitni hai, kitne repeatedly bachcha wo aggressive बिहेवियर शो कर रहा है टूवर्ड्स पीयर, ठीक है। जब हम उसे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली बच्चों को एक ऐसे जगह पे लाइक ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उसके सराउंडिंग जो उसके पीयर्स या क्लासमेट्स या प्लेमेट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो वी कुड ऑब्जर्व आवर सिंपल ऑन अ प्लेग्राउंड, ठीक है। प्ले ग्राउंड में जो है जब वो खेलता कूदता हो तो वहाँ पे जो है ना अक्सर ये एग्रेसिव एक्ट ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल रिकॉर्ड हाउ ऑफन ईच चिल्ड्रन बिहेव इन अ हॉस्टाइल एग्रेसिव मैनर टूवर्ड्स प्लेमेट, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द डेटा, वी गैदर द डेटा रिलेटेड टू द वेरिएबल्स वी आर इंटरेस्टेड, नाउ इट्स टाइम टू एवेल्युएट अवर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हमारा वो टाइम आ गया है दैट हम अपने हाइपोथेसिस को जाके एवेल्युएट करें, असेस करें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फिर हमें स्टेटिस्टिक की तरफ जाना होगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी डिटरमिंड बाय एग्जामिनिंग द डेटा विद अ स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब क्या होगा, वेदर प्रेजेंस है या एब्सेंस है, कोई जो रिलेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है, वो बेसिकली हम किस चीज के थ्रू डिटरमिन करते हैं, बाय एग्जामिनिंग द डेटा विद अ स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर। स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू हम उस डेटा को एग्जामिन करते हैं, जिसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का नेम देते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रिजल्ट हमें आती है वो बेसिकली हमें वो मेजरमेंट वैल्यू बता दे, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेटिस्टिक प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आप इसे कह सकते हैं, और ये जब आपके पास SPSS में जब आपके पास टेबल रिजल्ट आता है तो ये बेसिकली ये आर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये आपको रिजल्ट्स बता रहा होता है रिलेटेड टू डेटा, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेटिस्टिक प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटिस्टिक बेसिकली क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ दैट उन दो दरमियान के दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो उसकी स्ट्रेंथ वो कितनी हद तक स्ट्रेंथफुल है, ठीक है। और बेसिकली ये हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट डायरेक्शन के बारे में बता रहा डायरेक्शन के बारे में भी बता रहा होता है ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इट कैन चेंज इन वैल्यू, ठीक है, इट कैन चेंज इन वैल्यू फ्रॉम माइनस वन
टू जीरो टू प्लस वन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की. अच्छा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप. जो आर वैल्यू हमारे पास आती है वो बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बता रहा होता है, ठीक है. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है -0.0 एंड 0.70, अगर हम इन दोनों को देखें दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन मीन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट दोनों दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों सेम स्ट्रेंथ पे हैं. बोथ आर स्ट्रॉन्गर देन अ मॉडरेट कोरिलेशन, ठीक है, बोथ आर स्ट्रॉन्गर देन अ कोरिलेट कोरिलेशन अगर हम -0.30 ले लें या +0.30 ले लें. अगर आर वैल्यू जो है वो जीरो आती है तो बेसिकली आर अगर आर वैल्यू जीरो के साथ आती है तो दैट इंडिकेट्स दैट दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है. अच्छा, द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है. जो साइन आते हैं माइनस प्लस वो बेसिकली इट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. इफ द साइन इज पॉजिटिव दिस मीन्स दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है. लाइक अगर पॉजिटिव साइन वैल्यू के साथ आता है तो दैट्स मीन आपकी जो वैल्यूज है अगर एक इंक्रीज होता है वेरिएबल तो दूसरा भी उसके साथ इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट का आप ले रहे हैं तो हाइट एंड वेट जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट है एक दूसरे के साथ. अगर हाइट ज्यादा होता है तो जाहिर बात है जब हाइट इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ वेट में भी चेंज आ रहा होता है, ठीक है. नेगेटिव कोरिलेशन जो है बेसिकली आपको इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा होता है, ठीक है. तो इसमें जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, ठीक है. इसमें एग्जांपल फ्रेडमैन और उसकी कुलीज की ली गई है जिन्हें एग्जामिन किया होता है, ठीक है. जो अटेंशन प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन में होते हैं दैट फाउंड दैट द मोर अटेंशन प्रॉब्लम चिल्ड्रन हैड व्हेन दे वर यंग द पुअरर देयर थिंकिंग स्किल वर व्हेन दे वर इन लेट एडोलेसेंस, ठीक है. तो फ्रेडमैन एंड उसके कुलीग्स ने बेसिकली ये चीज एग्जामिन की हुई थी कि अगर बच्चों में अटेंशन प्रॉब्लम ज्यादा हो तो द पुअर देयर थिंकिंग स्किल इन द लेटर लाइफ, ठीक है. तो मतलब जब एक चीज ज्यादा हो अटेंशन प्रॉब्लम चिल्ड्रन ज्यादा हो तो लेटर इन लाइफ पे उनके जो थिंकिंग स्किल है वो क्या होगी, पुअर होगी, ठीक है. तो ये क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन, ठीक है. नाउ लेट्स रिटर्न टू आवर हाइपोथेसाइज पॉजिटिव आवर हाइपोथेसाइज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेलीवाइज वायलेंस एंड चिल्ड्रन अग्रेसिव बिहेवियर. जो हम ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसकी तरफ हम वापस आते हैं, ठीक है. अच्छा, अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हैव कंडक्टेड कोरिलेशनल स्टडीज सिमिलर टू द वन वी हैव डिजाइन, ठीक है. अच्छा, जो एग्जाम्पल में आपको रिसर्च वेरिएबल डिस्कस हो रहे हैं टेलीविजन वायलेंस एंड उसका बच्चों की बिहेवियर की के ऊपर क्या असर पड़ता है, बेसिकली इस पे काफी ज्यादा रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, ठीक है. और इसके साथ द रिजल्ट सजेस्ट अ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है. जो रिजल्ट्स फाइंडिंग आए तो वो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बेसिकली शो कर रही थी दैट जितना ज्यादा बच्चे वो करेंगे, ठीक है. ये आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जितने बच्चे जितने ज्यादा वायलेंट मूवीज को देखेंगे उतने ही वो ज्यादा एग्रेसिव एक्ट्स में इंगेज होंगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर लेस एक्सपोज टू सच वायलेंट प्रोग्राम्स, ठीक है. इन सम द कोरिलेशन डिजाइन इज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन मल्टीपर्पज अप्रोच. इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप systematic relationship between two or more variables and wo un variables ki baat ho rahi hai that we might be interested and incapable of measuring, theek hai. variables jo hai ek to ye hai ki aapke interest level ki bhi hone chahiye and second ye ki that variable must be measurable, theek hai. agar variable measurable na ho to fir aapki study ka koi fayda hi nahi hai, theek hai. acha, हाईवर कोरिलेशन स्टडी की जो है ना एक मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि ये आपको नहीं बताती कि कौन से फैक्टर ने कौन से
वेरिएबल को, कौन सी वेरिएबल ने कौन सी वेरिएबल को अफेक्ट किया है, ये जस्ट आपको रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर, उसके लिए फिर हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ जाना होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वो दूसरा जो मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी वाला क्लास है वो किस टाइम स्टार्ट करें फिर? आप नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने भी जो है ना नाश्ते वगैरह नहीं किए होंगे ना, आप लोग भी करें, मैं भी कर लूंगा। तो 12 o'clock ठीक है, बस 12 to 1 ले लेंगे, नहीं 12 to 1 ले लेंगे। तो 12:30 में बजी आगे क्लास अच्छा, 11:30 पे ठीक है, जी। ठीक है चलो ठीक है, इंशाल्लाह 11:30 पे फिर मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी क्लास लेते हैं, ऑटिज्म पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।